हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो जैसे कि थंबनेल देख के ही आपको पता तो चल गया होगा कि वीडियो किस पे होने वाला है। कि आज डिस्कस करेंगे कि बजट के बारे में कितना रहेगा, क्या रहेगा, 25, 30 या 35 या 40, कितना। सो फॉर दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। सो लेट्स स्टार्ट विद दी बी एस बायोलॉजी। सो फर्स्ट बी एस बायोलॉजी में आपको क्या रहेगा। सो देखो, आपको सबको पता ही कि मैं एक एजेंसी थ्रू आया हूँ। सो पहले इंडिया में मैंने एडमिशन के लिए दिए थे 1 लाख रुपीज़। देन थोड़े मंथ बाद मैंने दिए थे 2 लाख रुपीज़। और वो 2 लाख उनके थोड़े कंसल्टेंसी के रहते हैं, अराउंड 50,000। देन वो तुम्हारे वीज़ा का आ गया, तुम्हारे फ्लाइट टिकट्स का आ गया और बाकी सारे थोड़े डॉक्यूमेंट्स का आ गया इंडिया में। देन फिर दिए थे 1,20,000 रुपीज़। सो वो कुछ वन टाइम पेमेंट करना रहता है फिलीपींस में डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सो ऐसा बोले थे। हाँ, उसके 1,17,000 थे, गिनो अराउंड 1,20,000 रुपीज़ वो थे। देन आपका इंडिया में होगा, अभी आना, फिर हम आए सेबू फिलीपींस। सो यहाँ पे आके रहेगा तो तुम्हारा सेमिस्टर फीस है। फॉर सेमिस्टर फीस यहाँ पे दो दो सेमिस्टर की पे करनी होती है, होते अराउंड 5 होते हैं, 2 समर थे हमारे और 3 सेमिस्टर्स थे। सो वो अराउंड उसके 2K पे करने रहते हैं, तो 1 सेमिस्टर के अराउंड होते हैं 1,15,000 पेसोस। 1,15,000 पेसोस से 2 बार पे करने रहते हैं, तो उसके अराउंड INR में गिने 2 बार तो 3,40,000 INR होते हैं। तो 3,40,000 रुपीज़ वो 2 सेमिस्टर के हो गए। बाकी तो तुम्हारे यहाँ पे हॉस्टल फी के भी अराउंड 1.5 ईयर्स का है, तो इतने की हॉस्टल फीस तुम्हारी हुई, हमारी थी 10,000 पेसोस पर मंथ। और आगे नए बच्चों की आई थिंक बढ़ गई है, अराउंड 11.5 और 12,000 पेसोस है। तो मैं मेरे हिसाब से चलता हूँ, मेरा एग्जाम्पल लेके। सो फॉर 1.5 ईयर्स हॉस्टल फीस 10,000 पर मंथ, 10,000 पेसोस पर मंथ, सो अराउंड हुए 1,18,000 पेसोस हुए। उसके INR में कन्वर्ट करें तो 2,65,000 रुपीज़ होते हैं, 2,65,000 रुपीज़ होते हैं। सो एंड बाकी आ गया तुम्हारा वीज़ा, वीज़ा फीस। सो फॉर वीज़ा अराउंड 16,500 पेसोस रहते हैं, तो 17,000 अराउंड लेके चलो। तो तुम्हारे वो 2 साल के गिन लेते हैं, सो फॉर मल्टीप्लाई बाय 2 तो 34,000 पेसोस, तो अराउंड तुम्हारे INR हो गए 50,000 रुपीज़ हो गए। हाँ, 50,000 रुपीज़ हो गए INR। सो वो वीज़ा के हो गए 2 साल के। देन यस, बाकी तुम्हारे देखो मैंने तुम्हारा खर्च गिना नहीं है, बाकी तुम पे डिपेंड करता है तुम कितना खर्चते हो तुम्हारे ऊपर। सो एंड वो है तुम्हारे डॉक्यूमेंट में जाएंगे स्टार्टिंग में, यहाँ पे यूनिफॉर्म है या थोड़े थोड़े ऐसे जाएंगे पैसे, वो अपने हिसाब से गिन लो। मैं इनका टोटल मारो, अभी मैं तुमने जो बोला उनका टोटल होता है 10,75,000 रुपीज़। 10,75,000 रुपीज़, 10,75,000 INR। सो अभी अराउंड 11 लाख गिन लो। तो 11 लाख में तुम्हारा BS हुआ, बाकी मैंने तुम्हारा खर्च नहीं गिना है, तुम वो पर्सनली है कितना तुम खर्च करोगे, तो तुम 12 लाख तक जा सकते हो। मैं इधर 11 लाख सिर्फ ये सेमिस्टर हॉस्टल एंड ऑल के लिए रखूँगा। सो दिस अबाउट द BS। सो लेट्स गो फॉर MD1। वेलकम टू द MD1। सर MD1 के बारे में बात करते हैं। तो MD1 में पहले तो रहेगा आपकी सेमिस्टर फीस। तो सेमिस्टर फीस देखेंगे तो 90,000 पेसोस रहते हैं, 90K। सो पर सेम की फी रहती है, ऐसे 2 सेम आते हैं फर्स्ट ईयर में MD1 में। तो उसके हुए तुम्हारे 1,80,000 पेसोस सेमिस्टर फीस हुई। बाद में तुम्हारे वीज़ा, सो वीज़ा ईयरली वीज़ा के अराउंड 17,000 रहते हैं, 17,000 17। तो ये ईयरली रहते हैं, 1 ईयर के इतने पे करने के। सो ये हो गए वीज़ा के हो गए। फिर फर्स्ट ईयर में रहोगे तो
रिसर्च के वहाँ पे कॉलेज में के सब्जेक्ट, रिसर्च सब्जेक्ट आता है, तो उसके पे करने रहते हैं अराउंड 5,000 पेसोस। तो ये इंक्लूड करो, देन आपकी लैब मैनुअल्स वगैरह भी सब सब्जेक्ट की रहती है। सो अभी चलो अप्रोक्सीमेट मान के चलो 300 पेसोस की एक लैब मैनुअल आती है आई थिंक, यस। सो 300 पेसोस की मान के चले तो 3-4 सब्जेक्ट्स की अराउंड उसके गिन लो तो 1.2 थाउजेंड पेसोस, 1.2K पेसोस उसके। देन अगर और आ गए आपका हॉस्टल फीस, हॉस्टल फीस 10,000 पर मंथ है हमारे। सो उसका हो गया 1,20,000 पेसोस। सो ये हो गया, बाकी अदर कॉलेज एक्सपेंसेस वो आप पे डिपेंड करता है, और कॉलेज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने का वगैरह वो डिपेंड करता है। देन ये देखो इतना हुआ, तो इसका टोटल मैं मारूँ सो होता है अराउंड 3,23,000, यस 3,23,000 पेसोस होते हैं। तो पेसोस के इंडियन में कन्वर्ट करें तो होते हैं अराउंड तुम्हारे 4,84,000, 4,84,000 रुपीज़ में हो गए। इतने में तुम्हारा फर्स्ट ईयर में हो जाएगा, मीन्स अब बाकी डिपेंड्स करता है तुम्हारे, अगर मैंने इतने में तुम्हारा एक्सपेंसेस नहीं गिना कि तुम कितना खर्च करोगे यहाँ पे, वो तुम पे डिपेंड करता है। अगर मैं रफली मान के चलूँ तो 1,500 पेसो आप पर मंथ खर्च करो, तो ईयरली हुए आपके 18,000 पेसोस, मीन्स रुपीज में 30,000 रुपीज हुए। इतने तो आप नहीं खर्च सकते, आप तो ज्यादा ही खर्चोगे। नहीं रफली मान के चलता हूँ कि इतना आप खर्चो, सो तुम्हारा बजट अराउंड 5 लाख बैठेगा वन फर्स्ट ईयर में। ये आपका बजट 6 लाख 7 लाख भी जा सकता है, आप पे डिपेंड, आप कितना खर्च कर रहे हो बाकी सब। बाकी ये क्या बोलते हैं, कॉलेज फीस एंड ऑल आपके 5 लाख में आ जाएगी। तो चलो डिस्कस करते हैं MD 2 के बारे में। सो फॉर MD 2 भी तुम्हारा MD 1 जैसा ही रहेगा, 5 लाख आसपास MD 2 भी आपका रहेगा, MD 3 भी 5 लाख आसपास तुम्हारा निकल जाएगा। सो ये 3 साल अराउंड 15-16 लाख में तुम्हारा रह जाएगा, इंडियन रुपीज 15 लाख में हो जाएगा। सो ये MD 3 तक, बाकी देखो पहले से BS से लेके MD 3 तक हो जाएगी, 15 प्लस 11 हुए तुम्हारे 26, 26 लैक्स ये तुम्हारे कितने कितने में ही हो गए। बाकी अभी बात करेंगे इंटर्नशिप में क्या होगा, तो चलो लेट्स टॉक अबाउट इंटर्नशिप। सो अबाउट इंटर्नशिप, देखो इंटर्नशिप में मेरी अभी इंटर्नशिप तो चालू हुई नहीं है, तो ये मैंने सीनियर से पूछा है कि कैसे खर्च वगैरह रहते हैं। तो सीनियर का एक्सपीरियंस मेरे को बोला है, समझा है ऐसे ऐसे होता है। तो पहले आप चलो तो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर खत्म हो गया, अभी आप एंटर कर चुके हैं इंटर्नशिप में। तो इंटर्नशिप में पहले आपको देने पड़ते हैं 2 लाख पेसोस फॉर इंटर्नशिप, यहाँ पे इंटर्नशिप पे करने होते हैं पैसे। तो 2 लाख पेसोस यहाँ पे पहले इंटर्नशिप में जाने के लिए देते होते हैं। बाकी इंटर्नशिप में जाने से पहले आपको एक ब्रिज कोर्स करवाते हैं, उनके कई 1,000 पेसोस ऐसी है रेट, तो उसके 1,000 पेसोस पे करने होते हैं। मीन्स इंटर्नशिप में जाने से पहले आपको जनरल थिंग्स स्किल्स सिखाई जाती है, सो उसके 1,000 पेसोस। देन देखो थ्रू आउट आपका चलेगा इंटर्नशिप, बाकी आपकी हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी इंटर्नशिप आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मैं इनकी इतना नहीं हूँ, वो तो होगा ही। देन यस अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में है तो आपको PPE वगैरह के भी रहेगा, अभी तो कोरोना चल रहा है तो PPE वगैरह का रहेगा। देन अगर गवर्नमेंट में आएगी तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल में। देन सो थ्रू आउट ये चलेगा, आपकी हॉस्टल फी भी मान के चल लो ऐसे ही 10,000 पर मंथ, अगर आप बाहर रहोगे उस टाइम तो 10,000 पर मंथ वहाँ पे, सो 1,20,000 पेसोस वो हो गए। बाकी चलो एक इंटर्नशिप का दरमियान ये रहेगा, अगर अब चलो इंटर्नशिप बाद की बात करते हैं। सो अभी इंटर्नशिप आपकी ख़त्म हो गई, सो आपकी फॉर ग्रेजुएशन सेरेमनी सेरेमनी मनाई जाती है, जैसे वाइट कोट सेरेमनी होती है, जैसे ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, उसके अराउंड 3,000 पेसोस पे करने होते हैं। देन आपके डॉक्यूमेंटेशन हो गए, आपकी डिग्री वगैरह सारे जो भी डॉक्यूमेंट MCI में लगते हैं यहाँ से देते हैं, तो उसका हो गया तुम्हारा लाइक चेयर लेटर है, यस यहाँ के जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं जो MCI मांगती है, सो उसका अराउंड 7,000 पेसोस होगा है, वो बोले 6,500 से अब 7,000 मान के चलो, 7,000
7,000 पेसोस फॉर दैट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। चलो ये हो गया, बाकी आपका रहा, यस ये सब हो गया। अभी चलो आपको फ्लाइट की टिकट भी कर देते हैं, आपको फिलीपीन से बाहर निकाल देते हैं। सो चलो अभी जाने की बारी आ गई, रिटर्न रिटर्न इंडिया जाने की बारी आ गई। सो मान के चलो कि 15,000 पेसोस की फ्लाइट टिकट है, चलो वो मान लिए। सो इतना सब मिला के अभी इतना टोटल क्या होता है? सो ये सब टोटल होता है 3,45,000 पेसोस। तो 3,45,000 पेसोस का इंडियन में कन्वर्ट करे तो 5,20,000 रुपीज होते हैं। सबकी इंटर्नशिप 5,20,000 रुपीज के आसपास आपकी रहेगी, आपको घर जाने तक टिकट के साथ। सो ये 5,20,000 हो गए। तो पहले हमने काउंट किए 26 लाख, 5,20,000, तो 31,02,000 रुपीज। तो बच्चे बोल रहे कि जट लोग बोल रहे कि 32 का पैकेज है, सम बोल रहे 25, तो अब 25 मीन्स 25 तो नहीं, एक बोल रहा है कि 32 का पैकेज बोल रहा है एजेंट्स वगैरह, तो सही है कि 32 आपके होंगे। बाकी आपको मैंने पहले ही बोला आप पे डिपेंड करता है, आप कितना खर्च करते हो। तो मैक्सिमम लेके मान के चलो तो 35 तक रखो अपना पैकेज, 35 तक तो होगा ही। आप पर खर्च पे डिपेंड करता है, मैंने तो आपका खर्च भी इंक्लूड किया 1500 पैसों पर मंथ, बाकी जैसे कि जैसे यार डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल डिपेंड करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 35 लेके चलो, 35 लाख का पैकेज लेके चलो, लिमिट लेके चलो आप भी बहुत, बाकी डिपेंड करता है, बार बार तो बोल नहीं सकता। सो ये रहा अपना बीएस से लेके इंटर्नशिप तक और घर जाने तक का 31.2 होता है, 32 लेके चलो मान के अप्रोक्स, देन मैक्सिमम लेके चलो 35 से आई थिंक ज़्यादा तो नहीं होगा, 35 तक रहेगा। और यार फिलीपींस में आओगे तो घूमोगे नाचोगे गाओगे ना जाने क्या क्या करोगे, बड़ा हरामी हो बेटा। सो दैट्स व्हाई मैंने लिमिट रखी है 35 तक। सही है यार, एक बार तो आ रहे हैं अभी तो घूम लो, है बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए यहाँ पे पालावन वगैरह, तो हम भी जाएंगे लास्ट में। सो इसलिए अपर लिमिट इतनी रखी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, इफ यू हैव एनी सजेशन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, विल सी। और बाकी ऐसे वीडियो आते ही रहेंगे, तब तक के लिए भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ज़्यादातर पब्लिक देख के जाती है सब्सक्राइब नहीं करती है, सो ये नहीं चलेगा, सब्सक्राइब कर दो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय।